हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। और आज है 26 जुलाई, और जैसा कि अपना रूटीन बना हुआ है कि हमें द हिंदू न्यूज़पेपर करने से पहले हम एक यूपीएससी का एमसीक्यू देखते हैं। और हमारी सीरीज चल रही है ये, जो कि आपकी 2020 वाली पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। यह है, अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द एप्रोसिएट्स डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज ऑफ दिस इज मैंडेटेड। मीन्स क्या मतलब है, यू कैन से दैट वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रालेख भी प्रस्तुत करते हैं, ओके, जिनमें बृहत रूपरेखा विवरण, यू कैन सी दैट हिंदी में इसका पूरा नाम हो जाएगा आपके पास, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है, भी सम्मिलित रहता है। तो यह पूर्व प्रालेख किस आदेशन के कारण प्रस्तुत किया गया है, हिंदी में आप ऐसे समझेंगे। तो पहला देखते हैं क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ओके, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल यहाँ पे होगा 10 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है इन टाइपिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अगला है आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। सो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास ये पार्ट्स हैं, तो इसमें देख रहे हैं आप कि किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के लिए, तो ये तो होगा नहीं। आप देखेंगे पहला वाला जो होगा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये नहीं होगा। आर्टिकल 111 एंड 110 ये भी नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003। तो ये किसका पार्ट्स है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये एक्चुअली में पार्ट्स है आपका फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो आपका 2003। सो देखिए आर्टिकल ये तो आपका जो 112 है, ये आपका बजट से रिलेटेड है ना, 112, 110 एंड 113, बट नॉट पार्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। सो हियर द आंसर इज फोर, ओके, आंसर इज फोर। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं पीसी पे चलेंगे फर्स्ट, ओके। पीसी पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और ये हम हर बार पर डे जो भी अपना एक दिन का पहले का करंट अफेयर जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो द हिंदू में हो, पीआईबी में हो, यू कैन सी दैट इन इंडियन एक्सप्रेस में भी हो, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है आज हमारे पास इन न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ में चलते हैं हम। प्रीलिम्स करंट 25 जुलाई 2023, सबसे पहले देखेंगे आप लुडविंगिया पेरोवेनिया, एक्चुअली में ये क्या स्पेसीज है, ठीक है। अब ये स्पेसीज है तो कैसी स्पेसीज है, मैं बताऊँ, ये वाटर बॉडीज यानी कि जो पानी होते हैं वहां पर होती है, ये द हिंदू में इसका आर्टिकल आया था, है ना। तो मैंने उस टाइम आपको एलिफेंट रिजर्व पूरा पढ़ा दिया था इसी के रिगार्डिंग। तो क्या होता है लुडबैग्निया पैरोविंग, एक्चुअली में ये वाटर बॉडीज है, ग्रो होती है, ठीक है। वाट इज ये इन्वेसिस बीड्स है, यू कैन से दैट ये इन्वेसिस का मतलब है आक्रमा, आक्रामक यानी घुसपैठी, घुसपैठी कह सकते हैं आप, घुसपैठी है ना, घुसपैठी यानी कि जो कहीं की है बट यहाँ पे एंट्री हो गई है इन इंडिया। इज थ्रेटिंग एलिफेंट हैबिटेट इन तमिलनाडु, इससे क्या हो रहा है कि तमिलनाडु में जो एलिफेंट हैबिटेट है वो थ्रेट हो रहे हैं, किससे, लुडबैंगिया पैरोविनियम से। लोकली नोन इसको क्या बोलते हैं, वोएल्स, इसको हम लोग लोकल में वोएल्स कहते हैं। प्रॉपरली नोन ये पेरीमेरोस येलो, इसको प्रॉपरली ये पीले टाइप के फूल होते हैं, इसीलिए हम पेरीमेरोस येलो बोलते हैं इनको, ठीक है। नेटिव कहाँ का, अब एक्चुअली में ये लुडबैंगिया पैरोविनिया है, ये कहाँ का नेटिव है, ये इंडिया का होता तो इन्वेसिस में नहीं काउंट होता, घुसपैठी नहीं होता, बट ये कहाँ का है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका एंड पेरू। तो इन तीन दो कंट्रियों से, सेंट्रल और साउथ अमेरिका और पेरू का ये नेटिव स्पेसीज है, यू कैन से दैट। एंड यूज किस में होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर इट्स टिनी येलो फ्लावर, और इसके जो है पीले पीले छोटे छोटे क्या होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है। और ग्रो कहाँ होता है, वाटर बॉडी में, इट्स क्लियर कट। सो इसमें आपको लुडबैंगिया पैरोवेनिया स्पेसीज पढ़नी थी, और उसमें से लिए आपको लोकली इसका नाम जानना था, प्रॉपरली क्या नाम होता है इसका, नेटिव कहाँ का है, यूज किस में होता है, ग्रो कहाँ होता है, इससे दिक्कत क्या है हमारे इंडिया में, एलिफेंट हैबिटेट है कहाँ पे, तमिलनाडु में, वो थ्रेट हो रहे हैं इससे, ठीक है। अब बात करते हैं फॉल्ट की, व्हाट इज अ फॉल्ट, फॉल्ट
फॉल्ट पा जाते हैं हम, दो देखते हैं यहाँ पे फॉल्ट, व्हाट इज फॉल्ट? इज अ फ्रैक्चर ऑफ जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। सीधी सी बात है कि कई भी चीजें जैसे हम कहते नहीं फॉल्ट हो गया वहाँ पे, फॉल्ट का मतलब फ्रैक्चर हो गया, जैसे दो आपके पास रॉक थी और उनको आपस में टकराई और टकराने के बाद वहाँ पे जो यू कैन से दैट जो पोर्शन बनेगा उसको हम फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अब आ जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये इसके टाइप्स होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट। तो तीन फॉल्ट होते हैं, तीन फॉल्ट देखने की कोशिश करेंगे। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम यूपीएससी में आई थिंक इसको पूछा जा चुका है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, रॉक स्लाइड होती है हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली होती है नॉट वर्टिकली, ठीक है। इसमें इसमें जो रॉक स्लाइड होंगी वो कैसी होंगी, हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं होंगी, तो इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। आगे नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेचिंग द क्रस्ट इन टू वैली, यहाँ पे क्या बन जाती है, वैली बन जाती है, मतलब वैली यू कैन से दैट इस टाइप की वैली है ना, इसमें रिप्स हो जाता है। आगे रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट, वन ब्लॉक ऑफ क्रस्ट स्लाइड वन टू टॉप टू अदर, यानी कि ये सीधी सी बात है यहाँ पर है और इसके ऊपर एक और स्लाइड इस तरीके से चढ़ गया है ना, फिर इसके ऊपर एक और स्लाइड चढ़ गया, तो ये वन टू टॉप अनदर, तो ये रिवर्स थ्रस्ट फॉल्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्ट्राइक में आपको इतना याद रखना है कि वर्टिकली मूवमेंट नहीं होता, और नॉर्मल फॉल्ट में आपको याद रखना है कि इसमें वैली बनती है, और रिवर्स थ्रस्ट में आपको याद रखना है कि वन टू अनदर पे ये इस टाइप का होता है, बनता चला जाता है, ठीक है। नाउ अब दो आइलैंड देखते हैं, एक आपका वैलारिक आइलैंड्स और एक मेडिटेरेनियन आइलैंड्स, ठीक है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उस तरीके से लिख दिया है कि वैलारिक आइलैंड आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी में, ओके, और मेडिटेरियन सी में मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, एक ही आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है, वैलारिक आइलैंड का मिलेगा आपको मेडिटेरेनियन सी में, ओके। नाउ अब आ जाते हैं हम रैनसमवेयर अखीरा, व्हाट इज रैनसमवेयर? ये साइंस एंड टेक का है हमारा, सबसे आपको पहले याद रखना है ये मैलवेयर है, ठीक है। मैलवेयर का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रतिरोध का काम करना, और एडवाइजरी इशू कौन करता है इसको, बाय द कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, यानी यू कैन सी दैट सर्ट इन इसको एडवाइजरी इशू करती है इसके लिए, किसके लिए, रैनसमवेयर अकीरा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रैनसमवेयर अकीरा है क्या, ये एक्चुअली में मैलवेयर है, तो आपके लिए जब भी क्वेश्चंस बनेगा ना तो यही पूछ लेगा कि व्हाट इज रैनसम अकीरा, तो यू कैन से दैट इट्स ए मैलवेयर, ओके। व्हाट द वर्क ऑफ रैनसम अकीरा, ये क्या वर्क करता है, ये स्टील वाइटल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इनक्रिप्टेड डाटा, जो आपका डाटा इनक्रिप्टेड होता है और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टील कर लेता है, यू कैन से दैट उसको चुरा लेता है, ठीक है, कौन, रैनसमवेयर अकीरा। आगे बात करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, यू कैन से दैट DMF, ये बॉडी है, ठीक है। स्टेबलाइज कब हुई थी, तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ओके। व्हाट इज, ये क्या है, इज अ ट्रस्ट सेटअप एज नॉन प्रॉफिट बॉडी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कहाँ पे बनी हुई है ये, छत्तीसगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे बनी हुई है, इसका भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आ चुका है, ओके। आगे चलते हैं फिर हम, क्या है वर्क, क्या है इसका, इसी के वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन मिनरल रिच एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग, देखिए कौन कौन सी, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना यानी PMKKKY एंड अदर स्कीम इन एरिया वेयर माइनिंग कैरिड आउट, जहाँ भी माइनिंग होती है वहाँ पर ऐसी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, DMF का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, PC हमने देख लिया, ठीक है। तो PC में हमारे पास आज कुछ आइलैंड भी थे, स्पेसिस भी थे, वो देखने थे हमें, और देखिए मैंने आपको क्या बताया, मेरा पूरा यही फोकस रहता है कि आपका चाहे वो PIB हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर हो, या फिर डाउन टू अर्थ मैगजीन हो, यहाँ तक जो भी स्कीम है उन स्कीमों को वन डे में आपका पाँच छः टॉपिक ऐसा बन जाता है जो अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, फिर आप डेट याद करिएगा, ये तो डेट तो एक्चुअली में पूछी नहीं जाती UPSC में, तो इट डजेंट मैटर, है ना, तो यही चीज़ हमें देखनी होती है, ओके। आगे चलते हैं, अपोजिशन प्लान नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट, अपोजिशन का प्लान ये है कि भाई हमें मोदी पर ट्रस्ट नहीं है और माननीय मोदी जी पे, और वो उनके अगेंस्ट में वो क्या लाना चाहते हैं, मोशन लाना चाहते हैं, और वो भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या है, कहानी क्या है, देखिए मणिपुर के विवाद पे, हालांकि अपने माननीय मोदी जी ने बोला था कि वी आर नॉट क्वाइट, है ना, वी गैव आंसर फॉर दिस टेररिज्म,
यू कैन सी दैट टेररिज्म है ना। रीजन क्या है कि जब आप नेट मार्च करा रहे हैं वुमेन्स को, तो ये एक एक तरह का टेररिज्म ही है ना। ऐसा तो टेररिस्ट ही करा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने उसमें बोला था, बट अपोजिशन को तो आप समझते हैं ना, तो उन्होंने क्या बोला है इसमें, कोई माइंड ना करे। अपोजिशन पार्टी बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और इंडिया। देखिए नया नाम बनाया उन्होंने, नाम क्या है नया उसको देखने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन पार्टी बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और इंडिया। अब आप ये मत समझना कि ये हमारा जो है ना इंडिया है, इंडिया की फुल फॉर्म भी निकाल दी उन्होंने। क्या फुल फॉर्म है भाई, ये देख रहे हैं आप, इंडिया नेशनल, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, और फिर आई फॉर इंक्लूसिव, और ए फॉर अलायंस। ये हो गई इंडिया। प्लान टू मूव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपके लिए यही पढ़ना है, पॉलिटी का रिलेटिव है आपका, ठीक है। अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन द लोकसभा ऑन वेनसडे, ठीक है, टू फोर्स द प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक ऑन मणिपुर अरेस्ट। इनको कहने का मतलब ये है कि वो माननीय मोदी जी के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहती है अपोजिशन, जिसने अपना नाम रखा है इंडिया, यू कैन से दैट इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और उनका कहना ये है कि भाई मणिपुर पे माननीय मोदी जी कुछ बोल ही नहीं, एक्चुअली में बोला है, बट देखिए सीजीआई ने भी बोला था कि भाई अल्टीमेट दिया था कि अगर आप जो जितने लोग हैं उनमें से, आई थिंक पकड़े गए हैं काफ़ी लोग है ना, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। ओनली 13 वर्किंग डे बचे हैं, अभी क्या क्या दिया है आगे देखते हैं। ओनली 13 वर्किंग डेज ऑफ द मानसून सेशन आर लेफ्ट, केवल 13 ही दिन बचे हैं किसके, मानसून सेशन के। ये हमने कल अच्छे तरीके से पढ़े थे, बजट सेशन, मानसून सेशन और उसके बाद ज्वाइंट सेशन, इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। और देखिए जिनका छूट गया है ना, वो लास्ट वाली वीडियो को जाके देख लेंगे, और मुझे लगता है ईजिली उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड द लोकसभा स्पीकर कैन टेक अप टू 10 डेज टू एडमिट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एज पर द प्रोसीजर। कुल मिला के ये है कि 13 दिन बचे हैं और 10 दिन लग जाएंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने में, ये लोकसभा स्पीकर ने कहा, तो इसलिए उनकी मांग चल रही है, ठीक है। अब हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे भी दिया है, मोदी ने हिट किया, मोदी हिट आउट द अपोजिशन ग्रुपिंग ओवर इंडिया नेम, है ना, इसको हिट करने की कोशिश की मोदी जी ने कि भाई ये नाम रख लिया इंडिया का, है ना, इससे इंडिया के लोगों को गुमराह मत कीजिएगा, ऐसे कुछ बोला है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेडेड स्क्रॉन ऑन द इंडियन डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नेम फॉर द 26 अपोजिशन पार्टी है, और इसमें इंडिया में कितनी पार्टी है। तो बनडे एग्जाम में तो आपसे पूछ लिया जाता है जाएगा कि भाई जो ये इंडिया ग्रुप बना था अपोजिशन पार्टी वाला, तो उसमें कितने ग्रुप थे, है ना, कितनी पार्टियां थी, वो 26 थे। तो ये डायरेक्शन लेस मतलब ये अपोजिशन पार्टी ने इसका नाम रखा है ना, तो ऐसे कुछ है। बट आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं, वो है आपके लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। उसके साथ हम कुछ और मोशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, व्हाट इज ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए मैंने, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने इतना अच्छा चार्ट बनाया है जो कि आपको ईजिली याद करा देगा कि इसमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में होता क्या है। तो देखते हैं, लगभग इसमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए लगभग 50 सपोर्टर मेंबर की जरूरत होती है, ठीक है, कितने की, 50 सपोर्टर मेंबर। ओके, पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, अगर लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो मिनिस्ट्री क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। समझते रहे ना, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है मैंने, और लोकसभा में ये बताना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं फिर आर्टिकल 75 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपीएससी में, क्या क्वेश्चन बना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं। वहाँ पर ऑप्शन था आपका राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट या फिर पीएम, तो आपका जवाब क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीधी सी बात है वो वहीं से चुने जा रहे हैं, तो उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, किसके लिए, लोकसभा के लिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ओके। अब इसी के साथ में हम एक और देख रहे थे, कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। तो कॉन्फिडेंस अगर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव यू कैन से दैट कॉन्फिडेंस आपका कम है, तो देन गवर्नमेंट फॉल, यानी यू कैन से दैट कॉन्फिडेंस आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपका गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कॉन्फिडेंस, ह्यूज पार्लियामेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, यहाँ तो देख लिया हमने। अब हम एक और देखते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, प्रिविलेज मोशन क्या है। इसमें कंसर्न मिनिस्टर, है ना, मूव बाय द मेंबर, क्या होता है इसमें, जो इसके जो भी कंसर्न मिनिस्टर होते हैं उनको मूव किया जाता है किसके द्वारा, मेंबर के द्वारा, प्रिविलेज मोशन लाते हैं। अच्छा ठीक, एक और है आपका एडजर्मेंट मोशन, ये क्या होता है। देखिए इसको राज्यसभा में पास नहीं किया जाता, लेस देन 2 आवर एंड 30 मिनट, ये लगभग ढाई घंटे से कम होना चाहिए, पहले तो आपको इतना रखना है, ठीक है। और उसके बाद करेंगे हम, फिर हमें मिल जाता है क्या क्या उसमें मिलता है, कोर्ट मैटर नॉट डील, कोर्ट मैटर को उसमें डील नहीं किया जाता,
और डिस्ट्रिक्ट नेमेशन क्वेश्चंस ये भी नहीं किए जाते इसमें, रीसेंट अकरेंस ये है इसमें, ठीक है जो भी है, और रिवाइवल डिस्कशन भी नहीं होता इसमें। ओके उसके बाद करेंगे इसमें क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज वाले की बात भी नहीं होगी, किसमें एडजस्टमेंट मोशन में ओनली वन मैटर कवर, इसमें केवल एक ही मैटर को कवर किया जाता है, और मैटर वो किससे होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, फीचर होना चाहिए है ना, फैक्चुअल होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपोर्टेंस का होना चाहिए, और लगभग इसमें भी कितने की जरूरत पड़ेगी, 50 मेंबर सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, किसमें भी एडजस्टमेंट मोशन में भी, और यही बात हमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में भी समझनी थी कि 50 सपोर्टर की जरूरत हमें वहाँ भी थी, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या क्रिटिसाइज किया जाता है, अब पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी पर्टिकुलर एक पॉलिसी होती है उनको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए तो है एडजस्टमेंट मोशन, ठीक है, बट ये क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के लिए नहीं है। एम क्या है इसका, ड्रॉ द अटेंशन डिफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, यही अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा ओके अब 2012 में यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया था, वो हमने देख लिया। ओके कॉलिंग अटेंशन ये आपका 1954 में मोशन था, अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, और ये आपको होता है 0 आवर, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन 1954 मोशंस। ओके तो हमें इसे इसके देखने की कोशिश की कि हमारी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपको 50 सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे होगा ये, लोकसभा में मिनिस्ट्री रिमूव हो जाएगी है ना, आर्टिकल 75 है, इस तरीके से देख लेना। अब देखना मैपिंग के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया, बस हो गया। अच्छा अब क्या है, क्लोज कोचिंग सेंटर दैट डजेंट हैव एनओसी विद इन 30 डेज, हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपकी कोचिंग 30 दिन के अंदर बंद हो जाएगी, यू कैन सी दैट नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो तो हमारे लिए मतलब का था नहीं, इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ने की कोशिश की। आगे चलते हैं फिर, और क्या है हमारे लिए, देखिए फाइनल ऑर्बिटर रेजिंग मैनूवर ऑफ चंद्रयान 3 कम्प्लीटेड, क्या होता है ना कि कुछ टीआरपी इकट्ठी करने के लिए मीडिया में आपने देखा होगा कि ये दिखाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में लावा मिला था है ना, तो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, रिसेंटली मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसी के रिगार्डिंग कि ये फेक न्यूज है, और लोगों ने उसको खूब भर भर के देखा, मिलियंस में व्यूज थे उसके। क्या होता है ना कि जब भी झूठ खबर होती है ना तो वो बहुत आगे होती है, तो उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो बलमा मिला है वो अपने चंद्रयान 3 का है, बट मैंने उसको फेक साबित किया था कि ये फेक न्यूज है ना, फेक साबित भी किया मैंने, और उसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाली भी थी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, और उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जो मलबा मिला था उसका अपने चंद्रयान 3 से कोई भी लेना देना नहीं है, वो एक किसी भी यान का यू कैन सी दैट मलबा था जो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, इस तरीके की वो फैलाई जाती है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, और अफवाहें लोगों को पसंद होती हैं और भर भर के व्यूज मिलते हैं, है ना। आगे क्या है इसमें फिर देखते हैं हम। तो अब इसने अपनी लास्ट वाली जो है फाइनल ऑर्बिट कंप्लीट कर ली है, ठीक है, चंद्रयान 3 ने, अभी ये कहाँ चक्कर लगा रहा है, ये लगा रहा है अभी पृथ्वी के चक्कर, तो पृथ्वी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ वाली, ये लार्ज वाली, तो ये भी इसने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब ये किसके लिए निकलेगा, अभी निकलेगा मून के लिए, यहाँ पे इतना समझना है आपको। अच्छा अब देखते हैं क्या है, क्या कहा गया इसमें, वो देखने की कोशिश करते हैं। इसरो ट्यूजडे सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिटिंग रेजिंग मैन्यूवर, जिसे हम अर्थ बाउंडेड पेरिस फायरिंग बोलते हैं। देखिए ये अर्थ बाउंडेड मैन्यूवर है भाई, अर्थ के एरिया में ही तो है ना, अर्थ राउंडेड मैन्यूवर्स, ठीक है। इट वॉज परफॉर्म सक्सेसफुली फ्रॉम द इसरो टेलीमेंट्री ट्रेसिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRC इन बेंगलोर, ये खबर हमें किसने दिया, ISTRC इन बेंगलोर में इसके। अच्छा आगे देखते हैं फिर, देखिए क्या अब ये इसमें, देखिए पढ़ने के लिए हमारे लिए जो था ना वो चंद्रयान 2, 3 और 1 के बारे में था, इसके लिए ना आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से, तो आप क्या करेंगे, मेरी लास्ट वाली वीडियो है क्या चंद्रयान 3 भी फेल होगा, हमने लिए है, आप चेक जाके देखेंगे उसे, आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको नीड नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की। अब बस इतना देखना अभी ये कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है ना, तो बस अभी कहाँ पर है, फिफ्थ वाला राउंड इसने क्लियर कर लिया। आगे देखते हैं, द फोर अर्लियर ऑर्बिटिंग मैनूवर वर परफॉर्म बाई द ISTRAC बिटवीन द July 15 to July 20, यानी कि July 15 से 20 के बीच में वो फोर्थ पे था, ठीक है। और इसरो विल परफॉर्म द ट्रांस लूनर इंजेक्शन ऑन August 1/Chandrayaan-3 टूवर्ड द मून। अब देखिए वो मून के लिए कब टूवर्ड होगा, आप कह सकते हैं August 1 को, और फाइनल पहुंचेगा, हमने प्रेडिक्ट किया डेट वो है आपकी August 2023 से 2024, टाइम भी डिसाइड किया हमने, कुछ 5 कुछ ऐसा है ना। ओके
इसमें हमारे लिए यही है, द लैंडर इज एक्सपेक्टेड टू टच डाउन ऑन द मून सरफेस ऑन अगस्त 3 5:47 PM, लगभग वो 23 अगस्त को 5:47 PM पर कहाँ पर पहुंचेगा, मून पर पहुंचेगा, चंद्रयान 3। इसमें इतना समझना था हमें। ओके, और इसके लिए हम एक बार लास्ट वाली अपनी वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसमें अभी मैं वापस आता हूँ, पहले देखते हैं और क्या हमारे लिए। ओवर 700 रिफ्यूजी एट वी रिप्रेडेड टू म्यांमार। म्यांमार वाली केस हमने कल पढ़ा था, उसमें 301 301 चिल्ड्रन है, इंक्लूडिंग 780 में जो म्यांमार से इंडिया में मणिपुर में एंटर हो गए, है ना। और इधर वैसे भी फाइट चली है कुकी और मेथी के बीच में, फॉर द यू कैन से दैट आरक्षण के लिए। आगे देखते हैं, लोकसभा पासेस पासेस कंटिन्यूटीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल अमिट दिन। अभी देखिए क्या है, ये अपोजिशन पार्टी का वाला तो ड्रामा चल ही रहा है, इसके बीच में ये वाला बिल और पास होने की बात हो रही है ना। तो कौन सा वाला है आपका, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, क्या देखते हैं इसमें क्या क्या कहानी है। द लोकसभा ट्यूजडे पासिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 अमिड स्लोगनिंग्स बाई अपोजिशन मेंबर डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक ए स्टेटमेंट ऑन द मणिपुर वायलेंस। देखिए बिल ये पास कब हुआ है, जब ये बात हो रही है कि माननीय मोदी जी मणिपुर पे कुछ बोले, है ना। तो द बिल एम टू अमेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब देखिए ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसको अमेंड करने के लिए लाया गया है आपका 2021 वाला, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या है, लगभग 20 साल हो गए, ठीक है, सेंस लगा लो। एक्ट वाज ब्रॉट इनटू द फोर्स ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट के समय पे ही आया था, ठीक है। फिर इसमें अमेंडमेंट होने की बात हो रही है। वी हैव सीन दैट वर प्रॉब्लम एंड इट वाज नेसेसरी टू एड्रेस देम। क्या भूपेंद्र यादव ने ये कहा, मिनिस्टर यादव, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से टू इंश्योर द ट्राइब्स एंड वल्नरेबल कम्युनिटी बेनिफिट फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ मेडिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट दैट अमेंडमेंट बाई नेसेसरी। कुल मिला के ये है कि जो भी ट्राइबल या वल्नरेबल कम्युनिटी होती है तो उनको ज़्यादातर इन मेडिसिन, जो भी फॉरेस्ट की मेडिसिन होती है उनके बारे में पता होता है, तो उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग ये वाला बिल आया है, ठीक है, बस इतना समझना है आपको। अच्छा, अब ये उसमें भी काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब देखिए मनरेगा का एक आर्टिकल आया, उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है। लगभग 5 करोड़ नेम आउट ऑफ मनरेगा लिस्ट इन 2022-23 से मिनिस्टर। लगभग 5 करोड़ लोगों का नाम अनलिस्टेड होगा, इसमें से यू कैन सी दैट मनरेगा में से। अब मनरेगा क्या है भाई, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, इन अ रिटन रिप्लाई टू लोकसभा ऑन द ट्यूजडे सेट द नेम ऑफ ओवर 5 करोड़ वर्कर हैड बीन डिलीटेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दिस वाज द 247% इंक्रीज फ्रॉम द 2021-22 फिगर्स। लगभग 247% बड़ा है ये, आप समझ रहे हैं क्या, नाम हटाने वाला प्रोसेस। अच्छा, दे हैव लिस्टेड 5 रीजन फॉर द डिलीटेड, किस किस वजह से इनका नाम डिलीट हो रहा है उनको देखने की कोशिश करेंगे। 5 करोड़ का नाम डिलीट हुआ है बट किस कारण से हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। 10 पैरामीटर में, पर 10 पैरामीटर में से अगर 5 पैरामीटर फिल हो जाते हैं तो नाम डिलीट हो जाता है। सो देखते हैं, फेक जॉब कार्ड फर्स्ट, डुप्लीकेट जॉब कार्ड सेकेंड, नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है, फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम द ग्राम पंचायत, फैमिली शिफ्टेड हो गई है कहाँ से, ग्राम पंचायत से। ओके, और उसके बाद देखते हैं, एंड सिंगल पर्सन इन जॉब कार्ड एंड देयर पर्सन इज एक्सपायर्ड, या फिर उनका जॉब कार्ड कैसा हो गया, एक्सपायर हो गया है। अब क्या है, 10 पैरामीटर होते हैं, स्टैटिक्स मेंटेन बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से देयर आर 10 रीजंस लिस्टेड फॉर द डिलीटेशन ऑफ द वर्कर एंड जॉब कार्ड। जॉब कार्ड को डिलीट करने के लिए 10 पैरामीटर होते हैं, उनमें से अगर 5 पैरामीटर भी फॉलो हो जाते हैं देन डिलीटेड ऑल द नेम विच आर ब्लॉक्स टू द दिस पैरामीटर। सो नाउ कौन कौन से 10 होते हैं आपका, ये है इनकरेक्ट जॉब कार्ड, अगर आपका जॉब कार्ड कैसा है, इनकरेक्ट है तब, फेक एप्लीकेंट के थ्रू आपने काम किया है तब, डुप्लीकेशन एप्लीकेंट है तब, फैमिली शिफ्टेड हुई है तब, पर्सन शिफ्टेड हुआ है टू न्यू फैमिली में, अगर कोई भी पर्सन शिफ्टेड हुआ है न्यू फैमिली में देन योर नेम इज डिलीटेड फ्रॉम दी मनरेगा। सिंगल पर्सन इन जॉब कार्ड एंड एक्सपायर्ड, सिंगल पर्सन कोई जॉब कार्ड में है या उसका जॉब कार्ड एक्सपायर्ड हो गया है, अनबिलिंग, बिलिंग नहीं हुई है टू वर्क, ठीक है, पर्सन
पर्सन एक्सपायर्ड नॉन एग्जिस्टेंस पंचायत एंड विलेज बिकम अर्बन। क्लियर हो गया था। तो 10 पैरामीटर होते हैं, उनमें से इसकी वजह से नाम हटा दिए गए। अच्छा और देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर अलोन टिल जून 23 तक नेम ऑफ 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर हैव बीन डिलीटेड। ये मैंने आपको बताया था जून तक लगभग 61 लाखों का नाम हटा दिया गया, बट 22-23 के सेशन तक कितना हटने के चांस है, 5 करोड़ नेम आउट ऑफ दी यू कैन से दैट मनरेगा लिस्टेड इन 2012। ठीक है आगे चलते हैं। अब हम मनरेगा को समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि मनरेगा वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, फिर भी हम इसको रिपीट करेंगे और जो न्यू एस्पिरेंट है उनको कुछ अच्छा मिलेगा। पहले इसका सेलेक्ट फीचर देख लेते हैं, क्या फीचर है इसका। गिव अ लीगल गारंटी ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एडल्ट मेंबर फॉर रूरल हाउसहोल्ड हु आर विलिंग टू अनस्किल मैनुअल लेबर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 100 डेज पर हाउसहोल्ड। लगभग उनको काम कितने दिन का मिलता है, 100 डेज का मिलता है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट पर रहते हैं तो आप एप्लीकेबल हैं सभी विलेजों में। क्लियर है यहाँ तक। ये नहीं है कि आपका अगर ये गांव है तो आप उसी गांव में एप्लीकेबल होंगे, नहीं, आप किसी भी गांव में एप्लीकेबल होंगे अगर आपको वन डिस्ट्रिक्ट है तो। आगे एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज़ द राइट टू रजिस्टर अंडर द मनरेगा। अब क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा, एवरी लिखा हुआ, आप सोचेंगे एक्सट्रीम बर्ड है, कैंसिल कर दो, नहीं, ये तो सबको चांस है। एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज़ राइट टू रजिस्टर अंडर द मनरेगा, सबको राइट है मनरेगा के अंडर में रजिस्टर करने का। अब मनरेगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके पहले तो आपको इतना समझ में आ गया कि 100 डेज का काम है। ठीक है, अच्छा, मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड लॉन्च इन 2005 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ मनरेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब ये लॉन्च हुआ था, 2005 में। ठीक है आगे देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी हमने पढ़ा था ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल उन्हें 100 दिन का काम, 365 दिन में से 100 दिन का काम उनको मिलना ही चाहिए, यू कैन से दैट। सो लगभग 265 दिन अगर वो काम नहीं करें तो डजंट मैटर, बट उनको 100 दिन का काम मिलना चाहिए। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड बिलिंग टू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल मैनुअल वर्क। क्लियर है यहाँ तक। एज 2022-23 देर आर कितना है, 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर अंडर द मनरेगा। लगभग 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर हैं किसमें, मनरेगा में, और इसमें से 5 करोड़ का नाम हटाने की बात चली है। लीगल राइट क्या है, लीगल राइट टू वर्कर अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम द एक्ट एम एट एड्रेसिंग द केस ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी थ्रू द राइट वेस्ट फैमिली एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी हैव टू वुमेन, जिसमें से 1/3 वुमेन होनी चाहिए। अगर आपका 100 है, 100 लोगों को अगर आपने काम दिया, सॉरी अगर आपने 100 लोगों को काम दिया है या फिर आपने 99 लोगों को काम दिया है तो इसमें से 1/3 आपकी वुमेन होगी, तो आपका 33 तो वुमेन होनी ही चाहिए किसमें, मनरेगा में। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैचुटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफिक फॉर द एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। उनको जो पेमेंट मिलता है वो 1940 एक्ट वेजेस एक्ट के थ्रू मिलता है। डिमांड ड्राइवन स्कीम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनरेगा डिजाइन इज इट्स ए लीगली वैट गारंटी फॉर एनी रूरल एडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज फॉर डिमांडिंग इट, फेलिंग विच इज एन अंडर डेवलपमेंट अलाउंस मस्ट बी गिवेन। सो 100 दिन का तो काम मिलेगा उसको, बट 15 दिन के अंदर ही उसको वो काम मिल जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। 100 दिन का काम मिलेगा पर 15 दिन के अंदर उसको काम मिल जाना चाहिए। ओके नाउ अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, क्या बात है। There is an emphasis on strengthening the process of decentralizing by the giving significant role in panchayati raj institution is a planning and implementation these work. ठीक है अब देखिए, अब हमारे लिए क्या पढ़ने के लिए, मनरेगा contributes to sustainable development goal यानी SDGs goals में मनरेगा क्या अपना रोल अदा करता है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रोल देखते हैं, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, जीरो हंगर की बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे आपका SC ST OBC और इनके बीच में जो भी इनइक्वालिटी है उसको भी रिड्यूस करने की बात करता है, यू कैन से दैट, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है एंड जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये क्या SDG ऑफ मनरेगा। ओके क्लियर है यहाँ तक। तो 5 करोड़ नेम आउट ऑफ मनरेगा लिस्ट इन 2022-23 से मिनिस्टर।
चलो वो 5 करोड़ लोगों के नाम हटेंगे। तो अगर आप देखिए थंबनेल में समझाओ ना, थंबनेल में लोग थोड़ा सा देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अंदर पता नहीं क्या होगा। ये चीज़ें जब आप समझेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, और देखिए रेगुलर बेस पे कंटिन्यूस बेस पे आपको वीडियो को देखना ही है, और 1 to 2 times। देखिए एक बार आपने सुबह मॉर्निंग में देख ली, सुबह शाम को ना आप उसकी स्पीड डबल करके देख लीजिएगा। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपके माइंड से स्लिप नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 2 बार विजुअलाइजेशन कर लिया। एक बार आपने सुबह देख ली है ना नॉर्मल मोड में, और शाम के टाइम पे आपने क्या किया उसे डबल मोड में देख लिया, देन यू यू कैन इजिली फीड दिस करंट अफेयर। सो नाउ प्रोटेस्टेड रॉयल इसराइल ओवर न्यू लॉ डॉक्टर की ऑफर। अब देखिए नया लॉ आया है इसराइल में, उसके लिए डॉक्टरों ने क्या किया है, प्रोटेस्ट रखा है। अच्छा अब मैं बताऊँ नया लॉ का है, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट को वीक किया गया है। अ डे आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल द वीकनिंग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अब देख रहे हैं ना इसराइल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अगर गवर्नमेंट वीक करने की कोशिश करेगी तो उसमें डॉक्टर उस पर आएंगे सड़क पे, है ना। तो आपके लिए इसमें पढ़ने के लिए क्या है वो देख लेते हैं। इसराइली मिलिट्री किल 3 अलग फलस्तीन गनमैन। अब फिर एक और इसराइल है, तो हमारे लिए क्या है ना इसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना समझ रहे हैं। देखिए वो तो आपका जो एक एग्जाम्पल बन सकता है, जब आप कहीं पुट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वीक करने के लिए इसराइल में इस तरीके से डॉक्टर भी प्रोटेस्ट किए थे, तो ये एक एग्जाम्पल बन सकता है। बट आपके प्रिलिम्स के लिए क्या है, तो प्रिलिम्स के लिए है व्हाट इज द बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ द इसराइल। सो नाउ वी टेक आंसर, कौन कौन से हैं हमारे पास, इजिप्ट जॉर्डन सीरिया लेबनान, ये क्या है इसराइल के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, इतना आपको समझना है ठीक है। गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये इसके वेस्टर्न साइड में है, जेरूसलम ठीक है ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न बैंक में। अब हमें याद करना है कि इसराइल के जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसको याद कराने के लिए मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से न्यूमोनिक से आप याद कर लेंगे। आई फॉर इसराइल हो गया, क्लियर है। अब जैसे कोई भी लेडीज है उसको जेल हो गई है ना, तो जेल से आई कह सकते हैं, आई जेल से, बहुत सिंपल है, कैसे बना सकते हैं बट मैंने ऐसे बना दिया। जे फॉर आपका क्या हुआ, जॉर्डन। एल फॉर क्या हुआ, लेबनान। और फिर ई फॉर आपका क्या हुआ, इजिप्ट। और एस फॉर आपका हो गया सीरिया, क्लियर है। तो जेल से आई, आई फॉर इसराइल हो गया, आई फॉर आपका क्या हुआ, इसराइल। और जे जॉर्डन, ई इजिप्ट, एल लेबनान, और से बोले तो सीरिया। आपको बॉर्डर सेविंग कंट्री याद रखनी है किसकी, इसराइल की ठीक है, वर्ल्ड में इतना था अपने लिए। आगे देखते हैं हम, IMF इंडियाज राइस कर्व पुट इस पर इन्फ्लेशन। मतलब IMF ने ये कहा कि अगर भारत में चावल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो अब इसमें हमें पढ़ना है IMF, व्हाट इज IMF। यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट्स नोट लगाने की कोशिश की है जिससे आपको IMF बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है ठीक है। ये रिफॉर्म करता है रिफॉर्म्स में कोटा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। 1945 में ये स्टेबलाइज हुआ, और क्रिस्टलिनिया जॉर्डनिस इसके वो थे ठीक है, और किसने किया था, UNO ने। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स समिट हुई, जिसमें IMF और IBRD ठीक है इनको ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं IMF की, तो इसमें गवर्नर मंडल होता है जिसको हम GM बोलते हैं। क्या होता है, गवर्नर मंडल। तो गवर्नर मंडल में आप देख रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो होते हैं। तो गवर्नर मंडल में आपके पास दो होते हैं, थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे हम। गवर्नर मंडल में आपके पास IMF और वर्ल्ड बैंक होते हैं, क्लियर है यहाँ तक। इसकी एनुअल मीटिंग होती है ठीक। IMFC में कितने मेंबर होते हैं, 24, और 2 सिटिंग होती हैं ठीक है। और डायरेक्ट इसके जो पार्ट्स हैं IMF के, और DCN की एक आपकी DC होती है जिसमें मेंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब गवर्नर मंडल की बात करेंगे तो देखेंगे इसमें मेंबर कोटा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, एंट्री ऑफ द न्यू मेंबर होनी चाहिए ठीक है, और बाइला, ये चार आपके गवर्नर मंडल में होते हैं। यानी कि मेंबर कोटा प्लस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन SDR होना चाहिए, और एंट्री ऑफ मेंबर और बाइला। अच्छा अब देखते हैं, गवर्नर मंडल रिव्यू करता है हर 5 साल बाद ठीक है, किसका, SDR का। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि SDR को रिव्यू करता है कौन, तो आपका जवाब होगा गवर्नर मंडल, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा लास्ट कब किया था, 2015 में, ओके। बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीका है, आराम से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर हम, अब इसकी SDR की करेंसी होती है, तो उनको हम याद करेंगे, काजू भी, यानी का जू भी। तो सी फॉर क्या हुआ, चाइना। ए फॉर अमेरिका। जे फॉर जापान। और ई फिर आपका हो जाएगा काजू ठीक है, यू फॉर यूरोप, और बी फॉर आपका हो जाएगा ब्रिटेन ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी हम करेंसी देख लेते हैं,
चाइना की तो अभी शामिल हुई है, तो उसको रेनबीज बोला गया, रेन मी, ठीक है। और अमेरिका की तो पता ही है डॉलर है, और जापान की पता ही है आपको येन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूरो, इसकी यूरो हो जाएगी, ठीक है, और ब्रिटेन की पौंड है। तो ये जो करेंसी है इनको देख लेंगे। अच्छा, अब हमारे लिए क्या है, मेंबरशिप क्या है आईएमएफ की। तो अप्लाई देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप लेनी है आपको आईएमएफ की, आपको मेंबर बनना है आईएमएफ का। तो क्या करेंगे आप, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे, ठीक है। और फाइनल डिसीजन कौन लेगा इसका, गवर्नर मंडल लेगा। बेस क्या होगा इसका, इसका होगा ऑर्गन डोनेशन, वोटिंग, एक्सेस फॉर फाइनेंस, ये सब इसके होंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास पूछा गया है यूपीएससी में, जब जब क्वेश्चंस बना है, तो इन तीन पे बना है बस। मैं फिर क्लियर कर दूँ, क्वेश्चन जब जब बना है तो आईएमएफ का इन तीन पे बने, कुछ किया उससे ऊपर क्वेश्चन गया ही नहीं है। तो रिपोर्ट आपको देखनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि GFSR, ठीक है, और एक फिस्कल मॉनिटर। ये तीन रिपोर्ट तो आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, रट्टा मार लेनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, WEOR, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और अगली है GFSR, और अगली है फिस्कल मॉनिटर। ये तीन रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएमएफ की, ठीक है। और कोटा की बात करेंगे तो आईएमएफ का देखें, वोटिंग पावर जो है 85% है, फॉरेन करेंसी आपकी 25% है, डोमेस्टिक करेंसी से 70% है। अच्छा, उसके बाद आपको इंडिया जो है एग्जीक्यूटिव है, बस इतना देखेंगे। तो हो गए, अब हम आ जाते हैं लास्ट, हमारा बचा है एडिटोरियल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मनरेगा वाला आपको देख लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट 2022 जो आ रहा है, वो 2002 वाले को लगभग 20 साल में वाजपेयी गवर्नमेंट में बनाया गया था, उसको अमेंड करके 2022 में लेकर आया जा रहा है, ठीक है। हिमाचल फ्लड है, मैन मेड डिजास्टर, कॉमन सी बात है, हिमाचल में भी आपने फ्लड देखा है ना, तो वो मैन मेड क्या है ना, कि जब आ, आ, जो भी चीज़ें यूज नेचर के खिलाफ अगर कह सकते हैं आप, जैसे वो कालका और शिमला वाली जो ट्रेन रूट है वो भी डैमेज हुआ था, अभी मैंने पढ़ाया था KSR है ना, तो वो एक्चुअली में हिमाचल में ही डैमेज हुआ था, हिमाचल में ही पड़ता है वो, तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से डैमेज हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना, कि जब आप नेचुरल तरीके नेचुरल नेचर को अगर आप कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो डेफिनेटली नेचुरल क्लेमिटीज आती हैं। तो उसको रीड कर लेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं पढ़ने के लिए, जो था वो मैंने बता दिया आपको। अब ड्रॉन फ्रॉम द गिग वर्कर स्ट्रगल ह्यून इन राजस्थान। अभी राजस्थान में क्या हुआ ना, कि गिग वर्करों के लिए एक बिल पास किया गया, और वो 24 जुलाई को हुआ था। अच्छा, अब गिग वर्कर क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशन इन ऑफिस, फुल टाइम जॉब विद इन अ सिंगल कंपनी, गिग वर्कर वर्क एज ए शॉर्ट टर्म टेम्प्रोरी और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर वन और वेराइटी ऑफ एम्प्लॉय थ्रू दे आर नॉट एम्प्लॉय इन द ट्रेडिशनल सेंस। गिग वर्कर का मतलब ये है कि वो ट्रेडिशनल सेंस से काम नहीं करते, वो आपके पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग काम करके फिनिश कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और आपने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रखी है ना, तो यू कैन सी दैट यू आर द गिग वर्कर, है ना। या फिर मान लीजिए जोमेटो वाले हैं, या फिर आप स्विगी वाले हैं, तो उनका एक टाइम लिमिट होता है, आज वो इस कंपनी में है तो उस कंपनी में उनको टारगेट दिया जाता है, टारगेट फिल करते हैं, काम आपका काम खत्म, कंपनी से दूसरी कंपनी में आप एंटर हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल वर्क ना होके आपका ये यू कैन से दैट एक ड्यूरेशनल वर्क होता है, जिसे हम गिग वर्कर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए इसके लिए जो बिल पास हुआ है, अच्छा ये बिल लाया क्यों क्यों गया, मैं बताऊँ उसका कारण क्या। अब इनके जो एग्रीगेटर होते हैं ना, यानी यहाँ पर ये काम करते हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कोई भी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी नहीं मिलती है, इसी के रिगार्डिंग ये वाला बिल लाया गया, कौन सा, गिग वर्कर वाला। अच्छा, अब जैसे गिग वर्कर में मैंने बताया आपके जो फूड वर्कर होते हैं है ना, जो आपके खाने को पहुँचाते हैं, इनको कानूनी दायरे में लाने की बात करी गई है ना। और मैं बताऊँ, ये देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की क्या देगा, गारंटी देगा। भाई आप ये काम कर रहे हैं तो इसकी भी आपको गारंटी है, अगर कोई भी एग्रीगेटर इनके कानून का पालन नहीं करता है ना, तो उसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। अब एग्रीगेटर कौन है, जिसके अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं है ना, गिग वर्कर, अगर उनका एग्रीगेटर किसी भी उनके कानून का अगर उल्लंघन करता है, ठीक है, ब्रीच करता है उनके कानून का, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और राज्य सरकार ने ये कहा था कि भाई अगर आप पहले पहले उल्लंघन के लिए तो आपको 5 लाख देने पड़ेंगे, और उसके बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख, यानी कि 50 लाख तक आपको हर्जाना देना पड़ सकता है, अगर आप गिरवों के कानून का उल्लंघन करते हैं तो, समझ रहे। अच्छा, अब मैं बताऊं, फ्री
फिर क्या है, भारत में गिग वर्क की अगर स्थिति की बात करी जाए तो भारत में ऑनलाइन कारोबार बढ़ने के बाद लगभग गिग वर्कर्स की संख्या में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ना। और उसके बाद एक अनुमान के अनुसार लगभग देश में, मैं बता दूं आपको, 10 से 12 करोड़ गिग वर्कर हैं। और भारत में जो जो ज़्यादातर गिग वर्कर है ना, वो ऑनलाइन फूड फूड प्लेटफॉर्म या फिर आप कह सकते हैं ई कॉमर्स कंपनी या सामान की डिलीवरी जैसे कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं 10 से 12 करोड़ गिग वर्कर हैं, और ज़्यादातर वर्कर जिनमें जो है ना वो ई कॉमर्स कंपनी या सामान की डिलीवरी, जैसे आपने मीशो ऐप देखा होगा तो वो कोई आपके पास आता होगा, आप कुछ मंगाते हैं सामान, तो जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के यूज के लिए कुछ भी चीज़ मंगाई, तो उसको जो देने आ रहा है ना आपके घर पे, वो गिग वर्कर है, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। और या फिर मान लीजिए चाहे मीशो है चाहे अमेजन है, यहाँ से जो भी हमारे लिए पास आते हैं वो गिग वर्कर है। अच्छा, अब ये देखिए राजस्थान बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने ये कहा कि इनको एक आईडी मिलेगी है ना, और इस आईडी पे उनका कुछ नामांकन वगैरह डला होगा, और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा की योजना तक पहुंचाने, सॉरी ठीक है। और अगर आईडी मिल जाएगी, अब उनके साथ कुछ भी होता है तो कॉमन सी बात है, आईडी का मतलब है आइडेंटिकल पर्सन, यू कैन से दैट, है ना। और इसमें बस इतना ही था हमारे लिए, और क्या है, और देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, लगभग 3 से 4 लाख जो गिग कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और प्रति लेन देन के काम पर भी करते हैं, इनको एग्रीगेट से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, एग्रीगेटर उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा भी नहीं देते हैं, आप देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से गिग वर्कर जो है कानून लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई उनको एग्रीगेट कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहे, कोई भी सुविधा नहीं दे रहे, कोई भी ऐसा उनको बाउंड नहीं कर रहे, बस उन्होंने काम किया चाहिए अपने घर, दैट्स मैटर। सो इसलिए ये वाला हमारा आर्टिकल था इस न्यूज में। ओके, तो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए कुछ लोग कहना कि वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। कमेंट देखिए कमेंट से क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है वो इन्हांस हो गई, आपको कुछ बेटर जब आप लिखेंगे तभी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमारा थोड़ा मेंस की भी तैयारी चल रही है। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपके लिए कमेंट पे ये लिखना है आपको कि गिग वर्कर कौन होते हैं, टर्मिनोलॉजी में अगर आपके लिए क्वेश्चंस बनेगा, व्हाट इज गिग वर्कर, व्हाट इज गिग वर्कर, ये मेरा क्वेश्चन है आज के लिए, इसका आपका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। गिग वर्कर कौन होते हैं, हिंदी में चाहो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में, उर्दू में चाहो उर्दू में, जिसमें चाहो उसमें आंसर मुझे दो, ठीक है। सो इस सेशन को यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये बड़ी खुशी की बात है कि अपना चंद्रयान जो है अब 5वीं ऑर्बिट में पहुंच के अपने फाइनल करने वाला है जो पृथ्वी के चक्कर